फ्रेंड गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड आप लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी फ्रेंड सुबह के बज गए 8 और हम नहा धो करके रेडी हो गए हैं। यहाँ पर कसिस देखिए, अच्छा आम खा रही है सवेरे सवेरे। अच्छा कुछ तो बोल, हाय हेलो बोल, हाय। तो फ्रेंड आपको भी अगर आम खाना है कच्चा तो आप भी आ जाइए खाने के लिए। तो फिलहाल अभी तो हम जाएंगे सब्जी लाने के लिए, क्योंकि मेरे को भी सब्जी नहीं है और अभी हमें खाना भी बनाना है। चल चलो, एक मेरे लिए रहने देना, चलो जल्दी तक। देखिए फ्रेंड वो जाते जाते भी मिठाई खा रही है, जल्दी चलो। एक अच्छे से फ्रीज बंद कर देना, एक रखा तेरे लिए। चलो जल्दी खा के जाएगी क्या? ऐसे ही जाएगी। यहाँ पर देखिए फ्रेंड कसीस और यहाँ पे दो, देखो हाय बोलो, हाय बाय बाय। क्या हाय बाय जा रहा हूँ ना फ्रेंड, हम और कशिश जा रहे हैं। आ गई, ये देख सकते आ गया भाजी लेने साथ में कशिश भी। अंदर का नजारा नहीं दिखाऊंगा मैं, क्यों मेरे को पता है कशिश चिल्लाएगी। नहीं मैं थोड़ा भी चला हूँ, सब सब्जी दिखाते तो देख सकते क्या क्या है इधर। तो देख सकते आंटी हाय बोलो, बहुत अच्छा बना हुआ मैं। देख सकते क्या क्या है, तू बना भाजी वाला। देखिए मैं सब्जी की दुकान पहुँच गया, भीड़ है सब्जी की दुकान में। अब मम्मी सब्जी खरीद रही है तो मिलेंगे सब्जी खरीदने के बाद। फ्रेंड हम सब्जी लेकर के आ गए हैं और अभी चलते हैं सब्जी बनाने के लिए। सब्जी में हम वही आलू और फूल गोभी की सब्जी बनाएंगे। आप लोग सोचते होंगे कि आलू और फूल गोभी की सब्जी कितना बनाती है, बट मार्केट में आज वही दिखा इसीलिए हम फूल गोभी लेकर के आए हैं। तो यहाँ पे देखे फ्रेंड हम गोभी काटते हैं। अभी मार्केट में ना सिर्फ गोभी सब गोभी ज़्यादा मिल रहा है यहाँ पे, इसीलिए गोभी है लेकर के आते हैं। और वैसे इसको गोभी ज़्यादा पसंद है। और इसमें हमने लाया थी सब्जी, तो सब्जी को सबसे पहले धो लेते हैं पानी में, धो करके उसको रख देंगे, इससे सही रहेगा। जब सब्जी बनाने का रहेगा तो धोने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। तो अब फ्रेंड चलती हूँ मैं खाना बनाने के लिए। यहाँ पे दूध रख दिए हैं गर्म होने के लिए और एक बगल सब्जी बनाने लगे हैं। थोड़ा जल्दी फ्रेंड खाना बना रही हूँ क्योंकि आज हमें जाना है थोड़ा सा बाहर घूमने के लिए। घर में बैठे बैठे बहुत दिन से सोच रहे थे थोड़ा सा बाहर टहल के आ जाओ तो मन को भी फ्रेश लगता है, और गर्मी भी बहुत है इसके कारण थोड़ा जल्दी भी खाना बनाना पड़ता है, और मोहित को भूख भी जल्दी लगती है। डालते हैं प्याज, यहाँ पे देखिए कशिश माचिस का डब्बे लेकर आई है। तो मेरे ही डब्बा, लाइटर नहीं है फ्रेंड इसीलिए माचिस मंगाते हैं। एक बार लाइटर आया था पर वो खराब हो गया, और माचिस मंगाते तो 10 दिन ही चलता है, इसके बाद तुरंत खत्म हो जाता है माचिस। Thank you.
बन रही है तो अभी हम फिलहाल आटा लगा लेते हैं जब तक सब्जी मेरी हो रही है। तो देखिए फ्रेंड हम आटा लगा लिए हैं और आपको एक चीज दिखाएंगे। देखिए कशिश कहाँ बैठी है पानी के डब्बे पे, ठीक से पानी उड़ जाएगा। हाँ तो फूट जाएगा पानी का डब्बा। शगुन सारा दिन तो खेलते रहती है, तू सारा दिन खेलते रहती है, पढ़ाई में कम से कम पढ़ लिया करो। टमाटर ला, दिन भर में दो खाएंगी तो बहुत ज्यादा हो गया ना। कितना पब्लिक चलती तुमको मालूम है क्या? नहीं नहीं ना मम्मी। फ्रेंड कशिश बोल रही है हमको बहुत डर लगता है। किस बात के लिए डर लगता है? तवा लेकर का तवा लेकर का तवा लेके आओ उससे डर लगता है। हाँ मोहित कहाँ गया है? गार्डन। गार्डन तो देखिए फ्रेंड मेरे घर में मेहमान आया है छोटा सा, बोलू मोलू सा ताबी बहुत दिनों के बाद आया है। बाबू रोटी खाएगा? रोटी देख रहा हाय कर दो। हाय तो फाइनली गाइस मेरा रोटी बन गया है, उसको इसमें रख देते हैं। तो फ्रेंड अभी मैं चलती हूँ बाबू को खिलाने के लिए, क्योंकि बाबू मेरे घर में बहुत दिन के बाद आया है क्योंकि उसका तबीयत खराब था। और यहाँ पर ये देख लीजिए, आजा बाबू आजा। पानी कैसा लगा इसको? पानी कैसा लगा तुमको? तुम है ना वो कैमरा पर ध्यान दिया। अभी हम घर से बाहर निकले हैं घूमने के लिए आए हैं रोड तरफ, देख रहे हैं। और इधर देख लीजिए कशिश, घर से बाहर निकलने में थोड़ा मन को अच्छा लगता है, फ्रेश हवा लगता है शरीर को और अच्छा भी लगता है। अभी हम दोनों आ गए हैं घूम करके, देख सकते हैं यहाँ पर कशिश बैठी हुई है। तो आज का ब्लॉग हम अपना यहीं पर खत्म करते हैं, कल फिर नए ब्लॉग के साथ मिलेंगे। तब तक ले जाइए जय भारत वंदे मातरम, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा फ्रेंड। बाय।